दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग श्री श्री 108 महर्षि आश्रम कुप्पा घाट। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुप्पा घाट के बारे में विशेष और बेहतर जानकारी देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज यहां पे जितना भी चीज़, जितना भी टेंपल है, जितना भी मंदिर है, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ है, आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया है आपको सत्संग के लिए। यहाँ पे देखिए, काफ़ी श्रद्धालु जो है यहाँ पे आकर के सत्संग सुनते हैं। देखिए अंदर में, ये सत्संग का एरिया है। देखिए दोस्तों, ये जो है महर्षि संत से भी समाधि स्थल है। यहाँ देख सकते हैं समाधि स्थल। देखिए दोस्तों, ये जो है जो भी बाबा जो भी यहाँ पे आए हैं वो तपस्या करते हैं, और जो यहाँ पे डेथ कर जाते हैं, जिनका मृत्यु हो जाता है, उनका इस तरह से समाधि स्थल बना दिया जाता है। और साइड में भी है, देखते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अब देखिए एक बाबा यहाँ पे, देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस, अनमोल वचन जो है वो लिखा हुआ है दीवार पे चारों तरफ, और कितने बेहतरीन से नक्काशी यहाँ पे किया गया है, यह देखिए। और इस तरह से एक झूमर लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो बाबा हुए थे पूजनीय महर्षि संत हंस जी महाराज, उनका ये समाधि स्थल है। हम चारों साइड हम लोग चारों एक चक्कर चारों बगल लगा लेते हैं। अब हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। और संडे है, खास करके संडे को जो है विशेष तौर पे यहाँ पे आदमी दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए इस एरिया में। देखिए फिर आएंगे। तो आप देख रहे हैं, ये समाधि स्थल ये भी है। और यहाँ का जो कुप्पा घाट का जो सबसे पुराना संत महाराज थे श्री संत, उनका ये समाधि स्थल है, सबसे पुराना और सबसे जिसमें ज़्यादा शक्ति था कह सकते हैं, उनका ये है गाइस, उनका समाधि स्थल। यहाँ पे चप्पल जूता उतारेंगे और के बाद अंदर चलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है। और इसके साइड में भी यहाँ पे गार्डन कुछ बनाया गया है, इस तरह से देख सकते हैं। गार्डन है, इधर भी है, गार्डन है। इधर आदमी को रहने के लिए बनाया गया है घर, जो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे देखिए बाबा सब बैठे हुए हैं। गाइस हम लोग अंदर जा लेंगे, अंदर देखते हैं। देखिए काफ़ी एकदम बेहतरीन तो तरफ का हम दिखा रहे हैं आपको। यही वो संत गुरु थे जिनका ये समाधि स्थल है। यहाँ पे देखिए उनका लिखा हुआ है। दूर दूर से आदमी यहाँ पे आते हैं। फिर हम लोग इसके एक पार्क में जाएंगे। यहाँ पार्क भी है एक इस जगह पे, पार्क में जाएंगे, नीचे जाएंगे। कह रहे हैं ये समाधि स्थल जो है ये गंगा जी के जस्ट नज़दीक में है। इधर इस साइड में जो जंगल देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे उस साइड में आप थोड़ा थोड़ा पानी देख रहे होंगे, उसके बगल में गंगा जी, गंगा जी के जस्ट साइड में ये, यानी तट पे, गंगा जी के तट पे बनाया गया ये समाधि स्थल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। हमारी वाइफ आई है यहाँ पे। आज भीड़ भाड़ कम रहता है, इस वजह से हम लोग आए हैं घूमने के लिए गाइस। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम आते रहते हैं कभी कभी, सीजन वो बहुत ही अच्छा मौसम है। देखिए आम में मंजर भी आ चुका है, और यहाँ का कुछ अलग ही मंजर है। देखिए यहाँ सेल्फी चल रहा है। चलते हैं दूसरे जगह पे। ठीक है, यहाँ चप्पल जूता रखे हैं, हम लोग पहनेंगे, देन हम लोग निकले। और गाइस ये जो है ये पार्क है, ये नीचे देख सकते हैं आप, और वो पार्क के बीच में एक पूल बना हुआ है। ठीक है, वो पूल पे भी हम लोग जाएंगे। ये सत्संग का ये एरिया है, सत्संग भवन कह सकते हैं। यहाँ पे सत्संग होता है, जो भी आते हैं यहाँ बैठते हैं, श्रद्धालु सत्संग सुनते हैं, जल सेवा मुफ्त में। एक गिलास दीजिएगा, एकदम शीतल जल, ठंडा ठंडा। यह पानी बहुत ही साफ सुथरा। देखिए अंदर पानी साफ करने वाला मशीन भी लगा हुआ है। यहाँ पे पानी मुफ्त में पिलाया जाता है। एरिया में हम पहले जाएंगे, तब उसके बाद हम ये एरिया में पूल पे जाएंगे। पूल से फिर पूरा पार्क का
अद्भुत दृश्य आपको अद्भुत नज़ारा आपको दिखाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अभी हम लोग इस पे चलेंगे, यहाँ से चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो एरिया देख रहे हैं ये भवन है, जो भी यहाँ पे साधु संत है उनका ये एरिया में निवास स्थान है। और ये जो देख रहे हैं ये रेड कलर का परमहंस जी महाराज जी का ये कार है। अब ये जो देख रहे हैं पहले ये जो बाबा है इन्हीं का ये कार है। देखिए कितना अभी भी कितना सुरक्षित से एक तरह से इसको शीशा में रखा गया है, पैक कर दिया है। गाइस काफ़ी अच्छा है ना, कितना अच्छा सीन आ रहा है। पूल बनाया गया है बीच में। ये जो है सत्संग भवन में आगे में एक पार्क है और ये पार्क में एक पूल बनाया गया है ताकि जो भी आते हैं यहाँ पे इस पूल पे चढ़ करके जो है यहाँ का जो दृश्य है यहाँ का जो नजारा है इनका लुप्त उठा सकते हैं। यही वो समाधि स्थल है जिनका हम गाड़ी दिखाए आपको, वहाँ पे वही बाबा का ये समाधि स्थल है, वहाँ पे गाड़ी सुरक्षित शीशा में रखा गया है। देखिए काफ़ी नीचे जाने का परमिशन नहीं देता है क्योंकि ज़्यादा आदमी अगर नीचे जाएगा तो इसको क्षति पहुँचा सकता है। देखिए दिल का सैलून बना गया है भाई। यहाँ के बाद मेरी वाइफ आपको इस जगह से रूबरू कराएगी, तो चलिए हम मेरी वाइफ आएगी यहाँ पे क्या सब है कैसे है विस्तार से। हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ की जगह के बारे में। देखिए कितना खूबसूरत गार्डन है और यहाँ पे जो दूर में दिख रहा है आपको वो समय ये बंद रहा था, उस समय हम आए थे घूमने के लिए, तो ये जो बहुत सारा छोटा छोटा घड़ा लगाया गया था इसमें है ना। देखिए यहाँ पे छोटा सा कुटिया बनाया गया है और ये कुटिया किसका है पता है? ये जो कुटिया है ना ये सबरी माता का कुटिया है। जब राम और लक्ष्मण जंगल में गए थे तो ये सबरी उनको मिली थी और सबरी ने उन्हें बैर खिलाया था राम जी को। देखिए यहाँ पे राम जी बैर खा रहे हैं, सबरी अपने हाथों से राम जी को बैर दे रही है। यहाँ कितना खूबसूरत फूल लगाया गया है, देखिए ये सब फूल, ये देखिए पुल है, इसी पुल पे हम लोग चल रहे हैं अभी और इसके दोनों साइड नीचे गार्डन लगाया गया है। फाइनली हम लोग जाएंगे वहाँ पे, एक और नया टेंपल बना हुआ है उस जगह पे चलेंगे। चलिए मेरे साथ। ये है क्रिसमस ट्री, देखिए ऐसा होता है क्रिसमस ट्री, कितना लंबा होता है ना। देखिए गाइस ये जो देख रहे हैं आप ये कार्यालय क्या है, यहाँ पे जो है जो भी भोजन हेतु निःशुल्क कूपन यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने का समय दिया हुआ है 8:30 सुबह से 8:30 से लेकर के 9:30 तक मिलेगा और रात का जो मिलेगा वो 4:30 से 5:30 बजे तक यहाँ पे कूपन मिलेगा आपको। और यहाँ जस्ट इसके साइड में यहाँ पे प्राचीन गुफा है, आप देख सकते हैं, हम गुफा को भी नज़दीक से दिखाएंगे आपको। नदी के किनारे, और ये कौन सा नदी है पता है आप लोग को? ये गंगा नदी है। और पहले जो ये नदी ना समुद्र के जैसा था, बहुत बड़ा था, अब सूख करके अब जैसे लगता है कि नाला बन गया है। जो दूर दूर तक हरियाली दिख रहा है, पहले दूर दूर तक एकदम समुद्र लगता था। बाबा जी का पंडाल घिरा हुआ है। आप जा रहे हैं दूसरी तरफ, गुफा द्वार है, ये बहुत ही प्राचीन द्वार है। देखिए इसके अंदर गुफा है, आपको नज़दीक करके दिखाते हैं। अंदर तो बल्ब जला हुआ है, देखिए ये तीन गुफा है पता है। यहाँ का गुफा का रास्ता तीन तरफ जाता है, एक कोलकाता जाता है, एक नदी में निकलता है और एक मुंगेर जाता है। ये गुफा उस समय प्राचीन समय में ये गुफा खुला हुआ था, अब बंद हो चुका है क्योंकि मिट्टी का गुफा था, इसलिए अब तो बंद हो ही चुका होगा। हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता पता है नदी की तरफ जाता है, नदी पे एक पुल बना हुआ है, उसी पुल पर हम लोग जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये सब रूम बना हुआ है, यहाँ जो मेला में जो आता है घूमने के लिए एक दो दिन ठहरता है तो ये रूम लेकर के रह सकता है। यहाँ भाड़े पे कोई दिक्कत नहीं आती है उनको यहाँ रहने में। देखिए कितना खूबसूरत सा घर बनाया गया है। देखिए ये कितना खूबसूरत नदी का नज़ारा है, ये गंगा नदी है, कुप्पा घाट के बिल्कुल किनारे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे एक और समाधि स्थल है एक बाबा का,
ये भोजनालय है, जब मेला में जब आदमी लोग आता है तो यहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है उन लोगों को। ये समाधि स्थल है, कुछ करना नहीं है, बहुत बगल से गुजर रहे हैं इनके। वाह क्या कर रही हो, हाय अनिल, कितना दूर चढ़ गया डर से। एक तरीके यहाँ पता है हम लोग पहले बचपन में आते थे, बहुत बड़ी गंगा थी उस समय, अब तो सूख चुकी है, अब तो गंगा के उस पर अब खेती होने लगा। गेट है पुल पे जाने के लिए, आ गए हम लोग पुल पे। ये गंगा नदी के किनारे पुल बना हुआ है, ये सीधा कालीघाट जाता है, नाव भी लगा हुआ है उस पार जाने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ सूरज भी दिख रहा है, शाम हो चुका है हम लोग को, इसलिए देखिए डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। लोग आए इधर से और हम लोग इधर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।